पानी आता ही नहीं है, पानी बिल्कुल ही नहीं आता। नहीं। नमस्कार, न्यूज क्लिप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। ऐसा कि आप सब जान रहे हैं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव अपने उफान की तरफ बढ़ रहा है और अलग अलग जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे एक बड़ा सवाल राजस्थान के कई इलाकों में है जो जल संकट, पानी का संकट, ना सिर्फ सिंचाई का, उसके अलावा पीने का पानी का संकट भी है। सीकर जिले की दातारामगढ़ विधानसभा सीट है जो कि संकट से प्रभावित रही है। इसको लेकर कई सारे लोग पहले ही बोलते रहे, कई प्रदर्शन भी होते रहे इस इलाके में पीने के पानी को खासतौर पर लेकर। इसी की ज़मीनी स्थिति जानने के लिए हम यहाँ आए और लोग कई गाँव में गए और वहाँ के लोगों से बात समझने का प्रयास किया जो पानी का संकट कितना गंभीर है और पानी वो इस समस्या से कैसे जूझ रहे हैं और क्या चुनावों में इनके इस मुद्दे की बात हो भी रही है, अगर नहीं हो रही तो लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो पहला कारण है वो ये है कि एक तो परंपरागत जल स्रोत थे वो देवे देवे या तो अतिक्रमण में कर लिए गए या फिर उनको क्या है भवन वगैरह बनाने के या अन्य कारणों से विकास के नाम पर नष्ट कर दिया गया। दूसरा, जो पानी का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट या उनके अनुकूल नीतियाँ नहीं बनी है। बहुत दिक्कत है पानी के बारे में। कैसे? पानी नहीं आता है। तो पानी कैसे लाते हो, कहाँ से लाते हो? नलका से निकाल के। निकाल के लाते? कितने दूर जाना पड़ता पानी में? 1 किलोमीटर। पानी का वही है, हम तो 500 रुपये टैंकर के लगते हैं। हर घर में पीने का तो टैंकर से गिरवाते हैं और नहाने धोने का है जो हमारे गाँव के, पहले तो ये बताया था यहीं से आती थी, जिस ट्यूबवेल से ज्वाइंट थे हम, उसके बाद हमने अलग से ट्यूबवेल बनवा दी। तो बाबा जी ने करवाया, वो MP ने, तो वो ट्यूबवेल से पानी आ रहा है। गांव में 2 टंकी बनी हुई है। तो पानी पीने लायक नहीं है? वो पीने लायक नहीं है, उसमें क्लोराइड बहुत ज़्यादा है। बरसात का इकट्ठा करते हैं फिर वही पानी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ। पीने के लिए? पीने के भी। तो इसके लिए नेताओं से बात बताते हो? बताते, बोलते कर देंगे फिर करता नहीं। तो मैं तो जब से जन्म लिया हूँ तब से पानी से परेशान है। फिर इतने मतलब यहाँ पे सरकारें आई, सरकारें चली गई, विधायक जी आए, बोले पानी की व्यवस्था करवाएंगे। ये 20 साल हो गए मेरे को समझदार होकर, आज मैं 40 साल का हो चुका हूँ। जब 21 साल का बालिग हो जाता है ना, तो मैं आज मेरी 41 ईयर्स एज है। 20 साल में हर महीने पानी के प्रति मेरे 1500 रुपये खर्च होते हैं, सालाना 18000 रुपये पानी का देता हूँ। और ये बोलते हैं हमने पानी की वो व्यवस्था कर दी, ये व्यवस्था कर दी, कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बरसाती संकट है, जैसे चूहू के अंदर अपने झाखड़े हैं, चूहू है, सिक्कर है, झुंडू है, इसके आगे जयपुर चले जाएं, उधर अजमेर से लेकर ठेठ आदिवासी क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान है वहाँ तक जो पूरा है, वो क्षेत्र है जहाँ बरसाती पानी की उपलब्धता के ऊपर पानी की आपूर्ति वगैरह निर्भर होती है। सिर पर घड़ा ले आवा खेता मियां वे पेस पड़ जाए तीस मरता मरा। खेत में कुंड से लेना पड़ता है, सिर पर घड़ों से। क्लोराइड उसमें ज्यादा है तो जोड़ों में वो शरीर में जोड़ों में दर्द हो जाता है। क्लोराइड का पानी पीने से, इसलिए वो सब पीने का पानी सब गिरवाते हैं टैंकर, उससे पीने का वो काम में लेते हैं और नहाने धोने का, बर्तन धोने का वो ट्यूबवेल का काम में लेते हैं। खेती कहते हैं करेंगे पर करता कोई नहीं है। वोटों की जरूरत है तब आ जाते हैं, फिर कोई नहीं करता। 2 गांवों के लिए एक ट्यूबवेल की व्यवस्था की थी, उसमें खारा पानी हो गया था बाबी, 1 महीना 4 दिन और उसमें भी पानी बोले तो 1 महीने में 2 या 3 दिन ही हमारे को मिलेगा, 2 मटके, ज़्यादा पानी नहीं मिलता था उसमें भी। बारिश अगर नहीं आए तो फिर आप लोग कैसे रहते हैं? बाहर से मंगवाते हैं टैंकर। टैंकर कितना पैसा लगता है टैंकर का? 1500। पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, पानी भरने के लिए हम दुख पाते हैं जी, बहुत ज़्यादा जी। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है, हम पानी लेने जाते हैं तब कम से कम भी 1-2 किलोमीटर से हमको पानी लाना पड़ता है। भाई पानी पहुँचना चाहिए, गांवों में पानी नहीं है, सब महिला तिसाई मरती हैं। पानी यहाँ पे है तो नहीं, बोरवेल में जो है खारा पानी है, मीठा पानी है नहीं यहाँ पे, और 10-15 साल हो गए। बोरवेल एक करवाया था पिछली बार यहाँ पे विधायक ने करवाया था 5-6 साल पहले, उसमें भी पानी आता नहीं, मोटर बल जाती है कभी, और खारा पानी है, मीठा पानी है। तो पानी मारा है नहीं कटे मार, तो पीने को पानी गंदरी टैंकर मंगाते हैं और पानी पीते या खेत से लाते। कुंड से पानी निकालना पड़ता है, टोटियों में आता नहीं। टोटियों में नहीं आता लेकिन बोलते घर घर टोटी आएगा पानी पहुंचा रहे, इसमें कुछ आता ही नहीं, कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं आता। कुछ 10-15 दिनों से 1 दिन आता है सर, वो भी 1.5 घंटा की ज़्यादा नहीं मिलता। कैसे पानी आप लोग लाते हैं?
पानी तो एकत्रित करते हैं कुंडों में, वही करते हैं सर। बारिश का पानी, बारिश का पानी एक कोई नहीं, नहरों में टंकर लाते हैं सर यहाँ। भाई सब महिला पानी खातर तरस रही हैं, भाई पानी दो पानी। ऐसे ही क्षेत्र के अंदर संकट ये है कि नई नई कॉलोनियाँ काट दी गई है और नए नए बड़े बड़े मंजिल बना दिए गए हैं, लेकिन उनके अंदर पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं रहती है। और ये जो सब काम रेगुलेटिंग होने चाहिए वो रेगुलेशन नहीं हो पाते, किसान के लिए कुछ ही नहीं है। तो जो किसान है वो कैसे कर रहा है, क्या करता है? वो एक ही फसल करता है, चौमासा बारिश हो जाती है, फसल हो जाती है, बाकी कोई फसल नहीं है, कोई ट्यूबवेल नहीं है, नीचे पानी है ही नहीं, खा रहा है। पीने का पानी और सिंचाई का पानी कैसे जा रहा है? जाते कभी आता है कोई किसी के ओद में से, कभी कैसे कभी कैसे ऐसे काम निकालते। हाँ विधायक हमारा गांव का है, विधायक आपके गांव का ही, तो आप कुछ बताइए, समस्या बताइए। सबको बता दिया, सबको मालूम है, पर कोई सुनाई नहीं करते हैं हमारी। तीसरा जो पेयजल का संकट है, नहीं कहेंगे इसको कुप्रबंधन कहेंगे, जैसे शहरों के अंदर ही है ये, और ये है वो बेसिकली जो अभी सीवेज की पाइपलाइन डाली जा रही है शहरों में, या गैस पाइपलाइन डाली जा रही है, या अन्य प्रकार के जो और परियोजनाएँ जो शहरों में खुदाई का काम होता है, तो खुदाई के काम में कई सारे शहरों में ऐसी शिकायतें आई है कि वहाँ सीवेज की पाइपलाइन और पेयजल की पाइपलाइन एक जैसी हो गई, वो पीने का पानी उस तरीके से नहीं बचा। और फिर बोलते हैं हमने सब विकास किया, ये कहाँ वो है बताओ आप, ये किया है वो किया है, ये झूठे मतलब ढोंगबाजी करके वो जब मतलब अपनी राजनीति के वाई लूटने का काम करने का, वो तो कोई मतलब किसी भी राजनेता के लिए मतलब मैं तो अच्छी बात मानता नहीं हूँ, अच्छा कैंडिडेट को चुनेंगे। अभी जो है सारे गांव के जो भी आसपास के गांव वाले हैं जो मेरे गांव के, वो टंकर से पानी गिरवाते हैं, मोल का पानी आता है, पैसे दे के। कितने पैसे आता है, कितना दिन चलता है? 500 से 100 रुपये का टंकर आता है, 5-6 दिन चलता है एक टंकर, एक परिवार के लिए। हाँ एक परिवार, या जैसे जब पाइपलाइन डाली हुई है लेकिन वो टूट गई, तो वो उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो उस पानी में मिट्टी वगैरह जा रही है, तो पीने लायक पानी नहीं बचता है। मैं तो आज 15-20 हज़ार रुपये मजदूरी करके मेहनत करके कहीं पर भी कोई टाइल्स मार्बल का काम करके पैसे कमा लेता हूँ, ताकि मैं मेरे घर वालों को टैंकर की सुविधा मुहैया करवा सकता हूँ। अगर जिसके पास में बाहर जाने का वो जिसको काम नहीं है, वो भेड़ बकरी चरा के अपना खेती में बारिश नहीं हुआ तो कहाँ से उसको फसल होएगी, कहाँ फसल नहीं होएगी तो उसको इनकम नहीं होएगी, फिर किसी से वो पैसा जैसे इधर उधर से लेके तो वो ब्याज में मर जाता है। सभी दिक्कत है पानी की, नहीं है इनसे तो जैसे भाई पीने का पानी नहीं है, कपड़ा भी धोते हैं, नहाते भी है, बर्तन वाना सब भी चाहते हैं, पानी तो चाहता रहता है। तकलीफ ये है कि हम 2-3 किलोमीटर जाके पानी लाते हैं, नहाने के लिए भी परेशान है, धोने के लिए भी परेशान है, खाना बनाने के लिए भी परेशान है, सभी बात को लेके हम परेशान हैं। एक महीने में 3-4 टंकर मंगवाने पड़ते हैं, मतलब 3,000 के आसपास आपको 2500-3,000 बिल्कुल बिल्कुल देने पड़ते हैं, किसी से पूछ लो गाँव वालों से, सबको पता है कि सब मंगवाते हैं। आपको भी दिख रहा है यहाँ पे पानी होगा तो फिर खेती भी होगी, पानी है ही नहीं यहाँ। एक इलाका जो कोटा सवाईमाधोपुर बूंदी ये जो इलाका है, वहाँ ERCP की मांग को लेके एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो उस आंदोलन में मध्य प्रदेश और गुजरात की समझौता होना है राजस्थान का, वो तीनों राज्यों की सुख परियोजनाएँ हैं, अगर उन तीनों राज्यों को मिलके ये परियोजनाएँ कर ली जाए तो लाखों हेक्टेयर सिंचित हो सकता है। और इसके साथ साथ जो 13 ज़िले हैं जयपुर से लेकर सवाईमाधोपुर तक, वो जिलों में पानी की आपूर्ति भी हो सकती है। एक व्यवस्था थी तो पहले मैंने आपको बताया ना, खारा पानी की थी, वो भी महीने में मुश्किल से 2-4 दिन मिलती थी, वो भी हमने गांव वालों ने मिलकर उसका जो भी मोटर जलती थी उसका जो मतलब पैसा फंड इकट्ठा करके उसको मोटर को ठीक करवाते थे और फिर वहाँ पर डालते, फिर जल जाती थी, वही सिस्टम होता था। जैसा कि आपने देखा जो बीड़पुर वीडियो में किस तरह से अलग अलग गांवों के लोग किस तरह से एक मूल समस्या जो पानी की समस्या उसके बारे में बात कर रहे हैं, और गांवों के अंदर कितना मुश्किल है पानी लेना, और एक एक परिवार महीने भर के पानी के लिए 3,000 से ऊपर का पैसा खर्च करना पड़ता है, जो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको किलोमीटर आधे किलोमीटर तक जाना पड़ता है पानी के लिए, वो पानी भी जो आ रहा है वो खारा पानी है और लगातार पानी वो भी नहीं मिलता है। इसके अलावा कई जगह जो जल जीवन मिशन के तहत सरकारों ने बिछाए हैं पाइपलाइन तो कई गाँवों में आ चुकी हैं, टोटियाँ लोग घर तक पहुँच गई हैं, लेकिन उन टोटियों के माध्यम से पानी नहीं आ रहा है। तो एक ये गंभीर सवाल जो आज के समय में आज़ादी 75 साल बाद भी आज हम चुनावों के दौरान पीने के पानी की समस्या को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, और सबसे गंभीर की बात है जो भी पार्टियां मैदान में चुनावी मैदान में मुख्य विपक्षी पार्टियां वफादारी पार्टियां हैं वो इस सवाल को चुनावी मुद्दा बनाती हुई नहीं दिख रही है। तो अब ये देखना है क्या लोग
इस मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे या फिर एक बार जो आमतौर पर चुनावों में होता है उन्हीं मुद्दों आधार पर जाति और धर्म के आधार पर वोट पड़ेंगे? क्या हो जाएंगे जी, थास राखो थास राखो थास थास राखता मन कितने दिन हो गए, कोई सुनाई नहीं करता है।